काऊ, आपने मुझे क्यों रोका? तेरे को पता नहीं मैं कितनी जल्दी में हूँ। अरे मैंने दूल्हे बस में जाते देखे, कार में जाते देखे, रेल में जाते देखे, हवाई जहाज में जाते देखे। तू एक पहला दूल्हा है जो बिना ब्रेक की साइकिल पर जा रहा है। बताऊ तेरे को कोई टेंशन, तेरे को कोई प्रॉब्लम? तेरे को पता नहीं मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है, फिर उनका टाइम निकला जा रहा है। तो ठीक है भाई, तू तो तेरी दुल्हन के पास जा, मैं तो चला। होता हूँ, जावे कहाँ है, मेरे ब्याह में नाचा का नहीं। आपका कब से वेट कर रही हूँ मैं, इतनी जल्दी ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आपका इंतजार कर रही हूँ, कहाँ थे आप अब तक? अरे यार मेरे पास साइकिल नहीं थी, लूना की मांग के लाया हूँ बिना ब्रेक की। और वो सासू माँ कहाँ है? ये री सासू माँ, कब से वहाँ खड़ी खड़ी इंतजार कर रही हूँ कि तिलक करूँ, मेरे जवाई के तिलक करूँ, छड़ा मरवाऊँ। पर आप तो, ये क्या है, क्या है ये? मैंने देखा दुल्हे तो फॉर्चुनर गाड़ियों में आते, आप ये साइकिल पर आए हो, कब से नाचने का मन कर रहा है मेरा? माँ जी दिल में जिगरा होना चाहिए, दुल्हे तो साइकिल पर भी आया करे। हाँ चलो फिर, टाइम वेस्ट मत करो, अब नाचते हैं, चलो चलो। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बन रहे हो बीन देखो आज मारा भाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बन रहे हो बीन देखो आज मारा भाई। खुशियाँ री घड़ी मारे घर भाई रे, बैंड बजे सागे आपा सगड़ा ही नचांगा, चढ़ियो है घोड़ी आज मारो भाई रे। अरे बंद करो, अरे दूल्हे मैं बाथरूम करने गया और तू मेरे को छोड़ के ही आ गया, चलो अब नाचो। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बन रहे हो बीन। अरे रोको दूल्हे राजा, एक बात है, आप लक्की बहुत हो, आपकी वजह से मुझे भी मेरा दूल्हा मिल गया, अब नाचो। जरा घूंघट तो उठाइए, मैं आपके नूर से चेहरे के दीदार तो कर लूं। आपने मुझे लात क्यों मारी जी? चल यहाँ से चला जा, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चला जाऊं? मैंने आपसे शादी की है, सात फेरे लिए हैं, मैं यहीं सोऊंगा आपके पास। सात फेरे तूने मुझसे नहीं, दहेज से लिए। अगर सोना है ना तो जाके सो कार के पास जो मेरे बाप ने तुझे दहेज में दिया है, जाके सो अलमारी के पास, जाके सो पांच तोले सोने के पास जो मेरे बाप ने तुझे दहेज में दिए है, जाके सो दो तोले चांदी के पास, और जाके सो उन सारे दहेज के सामान के पास जिसकी वजह से तेरी माँ ने मेरे बाप को सरेआम बेइज्जत किया। जा दफा हो जा यहाँ से। अरे मर्जाने रो क्यों रहा है, और तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे कमरे में जाके सो। मम्मी तू सोने की बात कर रही है, उसने तो मेरे को लात मार के पार भगा दिए। उसकी इतनी हिम्मत मेरे पुचके से छोटू को मारती है, तू चल मैं बताती हूँ उसको, चल मेरे साथ। करमजली तेरी इतनी हिम्मत, हमारे ही घर में हमारे ही कमरे से तू मेरे छोटू को निकाल रही है, हैं? मुंह फूटी कहीं की, कैसे निकाला तूने? अरे माँ जी आप गुस्सा क्यों हो रही है, इन्हें सोने के लिए मैंने कब मना किया? इन्हें सोना है तो अलमारी के पास जाके सोए, अगर सोना है तो पांच तोले सोने के पास जाके सोए, दो किलो चांदी के पास जाके सोए। आखिर आपने मेरी शादी इनसे थोड़ी ना करवाई है, इनकी शादी तो दहेज के साथ हुई है, और आपको बहू थोड़ी ना चाहिए थी, आपको तो दहेज चाहिए था दहेज।
अरे आप सास थोड़ी ना, आप तो एक भिखारन है जो अपने बेटे को एक लड़की वालों के घर जाके बेच आई। आपको तो ये भी नहीं पता कि एक बेटी के बाप की इज्जत क्या होती है। मेरे बाप ने अपनी जमीन गिरवी रखकर मेरी शादी इनसे करवाई, लेकिन आप तो ना तो किसी की इज्जत करना जानती है और ना ही आप एक बेटी के बाप का दर्द समझ सकती है। आपको तो बस धन चाहिए, धन। बेटा तूने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं कितनी गलत थी, मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं। और मुझ में तो औरत नाम की कोई भी चीज नहीं जो भावनाओं को समझ सके। बेटा तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। बेटा मेरी इज्जत अब तेरे हाथ में है, तू ये घर बसा ले और मैं तेरे बाप के सामने हाथ जोड़ूंगी, उनके पांव पड़ूंगी, जो मैंने उनके साथ गलत बर्ताव किया नाक रगड़ के माफी मांगूंगी। बेटा तू बस मेरा घर बसा दे। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है, दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है।